दोस्तों मैंने इसका जो नीचे का कवर है वो हटा दिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप होता है नीचे की तरफ। तो मैं कैमरा पास ले जाके दिखाता हूँ। तो ये कंप्लीट प्रोसेसर जिसे कंप्रेसर कहते हैं वो लगा होता है और आप देख सकते हैं ये जो ट्रे है इसका मेन काम होता है। तो इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये ट्रे है, यही मेन जड़ होती है कूलिंग कम होने की। हे गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? फुल सीजन है, फुल गर्मी पड़ रही है और अचानक से आपका जो कोल्ड ड्रिंक वाला डिस्प्ले फ्रिज है पेप्सी का या कोका कोला का, उसकी कूलिंग बिल्कुल डाउन हो जाती है। ग्राहक कहता है यार थोड़ी और चिल्ड दो यार, थोड़ा और देखो ठंडा, पीछे से देखो निकाल के दो कोल्ड ड्रिंक। तो आप कहते हो यार पता नहीं सारा दिन फ्रिज चलाता हूँ फिर भी कूलिंग नहीं होती, सुबह भी चलाते हैं रात को भी चला के छोड़ जाते हैं फिर भी बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या वजह है? तो ग्राहक भी आपसे टूटने लग जाता है। ग्राहक कहता है यार इसकी दुकान से नहीं लेंगे, इसकी दुकान से बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं मिलती, नेक्स्ट दुकान से लेंगे, आगे चलते हैं यार वहां से ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। तो आपका ग्राहक आपसे टूटने लग जाता है। तो इसका मैं 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि किस वजह से जो कोल्ड ड्रिंक ठंडी होना, जो आपका डीप फ्रिज या फिर आपका डिस्प्ले वाला फ्रिज है वो कोल्ड ड्रिंक की कूलिंग कम कर देता है या फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है, तो 100% सॉल्यूशन होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट्स मिस करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज है वो कूलिंग कम कर देता है, उसकी कूलिंग अप कैसे कर सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं। तो चलो वीडियो में मैं आपको फ्रिज के पास ले चलता हूं और कंप्लीट जो प्रोसीजर बताता हूं, एक भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों की शेयर कर दीजिए जो अक्सर कहते रहते हैं यार फ्रिज की कूलिंग बिल्कुल डाउन हो गई है। तो चलिए फ्रिज के पास चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोल्ड ड्रिंक का पेप्सी का फ्रिज है। अब कुछ दिनों से इसके अंदर कूलिंग कम हो चुकी थी, तो हालांकि मैंने सॉल्यूशन इसका ढूंढ लिया था और मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। कूलिंग कम होना आम बात है, फ्रीजर में फुल जितनी गर्मी पड़ती है इन फ्रीजर में आ सकती है। तो मैं इसका कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल मैं इस जो स्टैंडिंग फ्रिज होता है डिस्प्ले फ्रिज, वीसी कूलर कहा जाता है जिसको, उसके अंदर कूलिंग कम हो जाती है तो क्या प्रोसीजर होता है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे का पोर्शन होता है उसके ऊपर दो पेच लगे होते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप उन दोनों पेंच को खोल लीजिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आसानी से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आसानी से खुल जाता है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर को लगाना मुश्किल होता है। बिल्कुल एकदम हीट आ रही है क्योंकि जो फ्रिज है फुल गर्म हो रखा है, मैं बता नहीं सकता आपको कितना। और आपको और बता दूँ कि फ्रीजर से थोड़ा थोड़ा साइड में आप मतलब आधा आधा फुट जो गैप होता है वहीं पे आप कोई सामान ना रखें, फ्रीजर को आप थोड़ा सा दीवार से आगे रखें। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं और इसका गेट हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो सेटअप है बाहर आ जाता है और आप देख सकते हैं जो आपको वो ट्रे दिखाई दे रही है उसका ही मेन काम है। उससे पहले आपके घर में ब्लोअर हो या कहीं किसी फ्रेंड से ब्लोअर ले आएँ और ब्लोअर से इसकी कंप्लीट मिट्टी की क्लीनिंग कर दें, क्योंकि मिट्टी की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं दिखाता हूँ जो ये ट्रे है ये बिल्कुल सूख चुकी है और इसके अंदर फुल पानी भर देना है आपने, मतलब जो इसकी ऊपर की सतह है तो किनारों किनारों तक हम पानी भर देंगे इसके अंदर। तो मैंने ये चिल्ड एकदम ठंडा पानी लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते फ्रिज में भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से घर वाला फ्रिज है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी तरीके से पानी डाल के उसकी कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर कंप्लीट पानी डाल दिया है, काफ़ी हद तक भर चुका है ये। दोबारा दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है। अब कुछ ही घंटे के अंदर इसकी कूलिंग का जो इफ़ेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, एकदम ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी। और देख सकते हैं आप जो सामने पंखा लगा है वो रेगुलर चलता रहना चाहिए और वहाँ भी मिट्टी वगैरह कोई फंसी हो तो उसको भी क्लीन कर दें।